कल 1 अक्टूबर है, आप लोग धरना दीजिएगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो कहीं ना कहीं गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है, गरीबों का शोषण करने का काम कर रही है और तरह तरह के नए नए हथकंडे निकालती है, नए नए तरीका निकालती है। उसी में एक तरीका निकला है स्मार्ट मीटर का, कि रिचार्ज करने का मीटर, चिप लगा हुआ मीटर, स्मार्ट मीटर, यानी कि हर ओर से गरीबों को परेशान किया जाए, हैरान किया जाए और उनके पैसे, जेब से पैसा निकाला जाए। तो हम लोग इसका घोर विरोध कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने यह आह्वान किया है कि पूरे बिहार में इसकी विरोध में कल धरना प्रदर्शन होगा, कि यहाँ पे हम आकर के अपने जो कार्यकर्ता हैं वैशाली जिला के, उनको थोड़ा सा चार्ज करने का काम कहिए या उनमें थोड़ी सी नई ऊर्जा का संचालन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ताकि यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो वैशाली में वो अच्छे तरीके से हो और यहाँ की आवाज़ पूरे बिहार में सुनी जाए। दूसरा ये कि हम लोगों का अपना संगठन का मामला है, मैं यहाँ पे जिला प्रभारी हूँ राजद का, तो संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को एक नई दिशा देने के लिए, संगठन को हमारे जो अनुभवी नेता लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप देख रहे हैं सचिन बाबू जी हैं, गगन जी हैं, चौबे जी हैं, चौधरी जी हैं और सभी लोग हैं, रघुवंश बाबू के भी परिवार के, मतलब इतना मुझे श्रद्धा थी रघुवंश बाबू से, आपको शायद अंदाजा नहीं हो, मैं जब मिलता था तो किस तरह से अपनी श्रद्धा से मिलता था, मेरा बड़ा आदर करता था, बहुत मेरा बहुत मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। उनके परिवार के भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो ये सारे वो लोग हैं जो सामाजिक न्याय के प्रतीक के प्रतीक। तो हम लोगों का एक सोच है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ तेजस्वी जी कहते हैं आर्थिक न्याय, उस ओर किस तरह से समाज को ले जाया जाए, समाज में जागृति लाई जाए, पार्टी को उस ओर ले चलने वाले जो नया नेतृत्व है उसको तैयार किया जाए, उसकी एक कोशिश है, उसमें हम लोग आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर की बात होती है, जैसे आप लोग सत्ता में थे, जब साथ में थे, तो आप लोगों ने स्मार्ट मीटर का विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, अगर ऐसा कीजिएगा, ये जो आप पूछ रहे हैं जीएसटी को बढ़ चढ़ करके जीएसटी दिवस मनाने वाले लोग, उनसे जरा जाके सवाल किए कि जब जीएसटी की बात यूपीए सरकार में हुई थी तो गला फाड़ पड़ करके सदन में आकर वेल में आकर के हंगामा करते थे। किसी भी मुद्दे पे कोई अगर साथ होता है या विरोध होता है तो उसकी खामियों और खूबियों को देख करके होता है। क्या आप इस बात को इनकार कर सकते हैं कि आज जो स्मार्ट मीटर बिहार में लगाया गया है उसकी कोई भी जांच परख नहीं हुई है और हर ओर से, आप पत्रकार हैं, आप लोग जागरूक होकर, आपको पता होगा कि कितना कितना लोगों का बिल आ रहा है। मैंने अपना उदाहरण दिया, पीके चौधरी जी से आप पूछ लिया या आप लोग स्वयं जा रहे होंगे कि सबका बिल, किसी का 200 आता था 2000 बिल आ गया। तो ये स्मार्ट मीटर है, ये स्मार्ट नहीं मीटर नहीं, ये चीटर मीटर है, हम लोग इसका विरोध करते रहे और आगे। मतलब जब आप लोग समाज में थे तो सर अलग अलग का कहानी था, पहले का स्मार्ट मीटर और अभी के स्मार्ट मीटर में चेंजिंग दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं, नियत में चेंज दिख रही है। हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं, हम लोग कभी शोषित दलित के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते हैं। और ये जो लोग बैठे हुए हैं केंद्र में या बिहार की सत्ता पे काबिज हैं, वो सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं। वो लोग समाज में जो दबा पिछड़ा और दलित समुदाय है, गरीब हैं, उनका शोषण करने वाले हैं, उसी से वो पनपते हैं, उसी से वो फैलते हैं, उसी से वो फूलते हैं। तो उनकी नीयत पे मुझे शक है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और ये प्रमाणित हो गया है इतने दिनों में कि स्मार्ट मीटर त्रुटिपूर्ण है। हम लोग सीधी मांगे उसकी जाँच करवाई जाए, क्यों नहीं हो रही है? सर लगातार मंच के माध्यम से एकजुट होने की बात कर रही थी, कहा जा रहा था, क्या लगता है सर वैशाली में एकजुटता नहीं है क्या राजद में? बिल्कुल एकजुटता है और हर पार्टी में हमेशा जब हम लोग बैठते हैं वैशाली में, आप देख रहे हैं कैसे कैसे राजद की विभूतियाँ बैठी हैं, पूरी एकजुटता है। लेकिन परिवार में भी जब आप होते हैं तो हम लोग बैठ करके आपस में कहते हैं कि देखो अभी ये समय है तो जरा सा और एक साथ होकर बैठे और ऊर्जा के साथ संगठित हो और जोश के साथ उठो, तो बस वही बात है। और यहाँ पे किसी तरह का पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी में किसी तरह का कोई अंतर विरोध नहीं है, पार्टी में कोई दो राय नहीं है, एक नेतृत्व, एक नेता, एक झंडा, उसके तहत हम लोग सारे लोग हैं, चाहे वैशाली के हों या बिहार के किसी दूसरे के।